हमारी आकाशगंगा में 500 अरब ग्रह हैं, जिनमें से अगर 0.1% ग्रह भी अगर पृथ्वी की तरह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं तो कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ ग्रह तो ऐसे होंगे जिनमें जीवन हो सकता है या फिर जीवन के पनपने की टूट संभावनाएं हैं। इसी प्रयास में नासा ने 23 जुलाई 2015 को अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर दूर स्थित एक एक्सोप्लेनेट खोजे जाने की घोषणा की। इस प्लेनेट का नाम था केपलर 452b, जो काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही था, यानी कि इसकी हैबिटेबल और एटमॉस्फेयर कंडीशन हमारी पृथ्वी जैसी ही थी। वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना था कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लेनेट या चट्टानी ग्रह है, जहाँ हो सकता है कि शायद जीवन के पनपने की कुछ हद तक संभावना जरूर होगी, और यही वजह है कि इस प्लेनेट को आमतौर पर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। बहरहाल अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है और हमसे इतनी दूर होने के कारण इसको एक्सप्लोर कर पाना भी बेहद मुश्किल है। 4th century BC के आसपास के टाइम पर ग्रीक फिलोसोफर्स द्वारा काउंटर थ्योरी दी गई थी, जहां ये बात मेंशन की गई कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में ही हमसे एकदम ऑपोजिट यानी सूर्य के एकदम पीछे एक और ग्रह परिक्रमा करता है जो हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा ही है, पर उसकी चाल और सूर्य की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता। खैर, इस थ्योरी ने आने वाले कई एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान तो किया, पर आज के दौर में ये थ्योरी फेल ही है, क्योंकि अगर आज ऐसा होता भी तो सैटेलाइट्स और इसके प्रभावों के जरिए हमें इसका पता अब तक लग चुका होता। पर दोस्तों वेट, अगर ये थ्योरी रियली ट्रू यानी वास्तव में सच होती, यानी कि सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में ही एक और अर्थ एग्जिस्ट करती तो क्या होता? आखिर एक और अर्थ की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता और क्या ये आने वाले समय में कोई महाविनाश भी ला सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही बात पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। सबसे पहले बात करते हैं सेम ऑर्बिट्स की, यानी जब दोनों अर्थ एक ही ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही हों, ऐसी सिचुएशन में वो कॉमन ऑर्बिट बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों सेम साइज प्लैनेट्स के बीच ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से दो समस्याएं हो सकती हैं। पहली तो ये कि इसकी वजह से एक टाइम पर दोनों प्लैनेट्स में कोलिजन यानी टकराव की वजह से कोई एक प्लैनेट या तो सूर्य की तरफ जा सकता है या अपने ऑर्बिट को छोड़कर सोलर सिस्टम के बाहर भी जा सकता है, यानी इस केस में हमारे पास अल्टीमेटली एक ही पृथ्वी बचेगी। पर ऐसा भी पॉसिबल है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से दोनों ही प्लैनेट्स आपस में मर्ज यानी विलीन हो जाएं, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही ग्रह भीषण टकराव की वजह से नष्ट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल संभव है कि कोई दो प्लैनेट्स एक सेम ऑर्बिट में ही ट्रेवल करें, पर एक समय पर इनका विनाश होना लगभग तय है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जहां दो प्लैनेट्स कुछ समय के लिए एक दूसरे के ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हॉर्सी ऑर्बिट, सैटर्न यानी शनि ग्रह के दोनों चंद्रमा एपिमीथियस एंड जेनस इसी हॉर्सी ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लैनेट्स के साथ ऐसा होना लगभग असंभव ही है, क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रह ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस अरेंजमेंट्स को आसानी से अनस्टेबल कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर देखें तो विनाश होना संभव है। अब अगर कोई दूसरी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है तो उसकी सही पोजीशन होगी हमारी इस पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद हैबिटेबल जोन में। पर अब आगे क्या होगा? अगर नए ग्रह में भी हम इंसानों की तरह ही वहाँ लोग मौजूद होंगे तो हमारे बीच किस तरह का इंटरेक्शन यानी पारस्परिक व्यवहार होगा? किस तरह से हम उस ग्रह के जीवों से संबंध बना पाएंगे? हमारे लिए ये तक बताना असंभव होगा कि वहाँ जीव हमारी तरह होंगे या हमसे भी ज्यादा एडवांस, क्योंकि जरूरी नहीं कि नई पृथ्वी पर आपको इंसान ही मिले। अगर कुछ हद तक सिमिलरिटीज मिले तो आपस में कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल होगा और हो सकता है कि स्पेस ट्रेवल के थ्रू आना जाना भी लगा रहे। खतरा हमारे लिए तब होगा जब दूसरी पृथ्वी की लाइफ फॉर्म किसी अलग तरह से ही इवोल्व यानी विकसित होने लगे। हमने अभी तक किसी भी तरह के परग्रहियों से संबंध नहीं बनाया है और न ही हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दूसरी पृथ्वी पर मौजूद जीवन हमारे लिए अच्छी खबर होगी। सरफेस कंडीशन सही और हैबिटेबल होने की वजह से ऐसा भी संभव है कि रिसोर्सेज को लेकर आपस में कोई युद्ध हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज के लिए हमारी नजरें पृथ्वी से बाहर जरूर रहने वाली हैं। सो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.